नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पॉडराइस एकेडमी में। आज का डेट है 13th of June 2022 एंड द सोर्सेज हमारे रहने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स के, असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज लाइक इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट इस पूरे लेसन का PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में ज़रूर से एंट्री दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं भद्रायस अकेडमी में, देन यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर, या फिर आप हमारे वेबसाइट www.bhadrayasacademy.in में भी विजिट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे देख लेते हैं, असम ट्रिब्यून से यह न्यूज़ लिया गया रिगार्डिंग प्रोजेक्ट सद्भावना। एक्चुअली न्यूज़ क्यों था, क्योंकि असम गवर्नमेंट सैटरडे में डिसाइड इन्होंने किया दैट अभी जो पेंडिंग केसेज है ना, 1992 से बहुत सारे ऐसे पेंडिंग केसेज हैं एक्चुअली असम गवर्नमेंट के पास इंडिजिनस लैंडलेस फैमिलीज को लेकर, एंड वो लोगों ने यू नो एप्लीकेशन दिया हुआ है गवर्नमेंट के पास, बट अभी तक उन लोगों को लैंड मिला नहीं हुआ है, राइट तो ऐसे जितने भी सारे पेंडिंग केसेस हैं सबको सॉल्व करना है और ये रिजोल्यूट लिया है असम गवर्नमेंट ने। इसी के कारण प्रोजेक्ट सद्भावना के अंडर कहा जा रहा है असम गवर्नमेंट ये सब कुछ करेंगी ना। अगर आप सिर्फ इतना पार्ट ऑफ न्यूज़ देखिएगा ना, तो शायद आपको प्रोजेक्ट सद्भावना का एक ओवरऑल पिक्चर नहीं मिलेगा। इसको आपको समझना पड़ेगा दैट असम गवर्नमेंट के अंडर जो प्रोजेक्ट सद्भावना चल रहा है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो द मेन एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू डिस्पोज ऑल द पेंडिंग केसेस, जितने भी सारे ऐसे पेंडिंग केसेस है ना, सिर्फ लैंड के रिलेटेड ही नहीं, डिफरेंट अदर मैटर्स में भी, राइट स्टेट सेक्रेटरिएट में जितने सारे ऐसे पेंडिंग केसेस हैं, ऐसे पेंडिंग फाइल्स है, सबको खत्म करना अंडर दिस प्रोजेक्ट। क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए फाइल्स पेंडिंग फॉर सेवरल रीजंस है ना, क्या ये यहाँ पर लिखा हुआ है दैट स्पेसिफिकली फॉर लैंड पर्पसेस, नहीं राइट, यहाँ पर बोला गया फॉर सेवरल रीजंस है ना, तो हर एक रीजंस के लिए वो धीरे धीरे हम लोग मेक श्योर किया जाएगा दैट जितने भी सारे केसेस हैं उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, जिससे स्टेट के लोगों को क्विक गवर्नेंस मिल सके, राइट और पेंडिंग केसेस जो है वो यू नो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। नेक्स्ट भी न्यूज़ दोस्तों असम ट्रिब्यून के द्वारा से ही लिया गया, बेसिकली हॉलक गिबन्स के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है हॉलक गिबन्स जो है ना, ये दे आर फेसिंग सीरियस थ्रेट, क्यों, क्योंकि इनकी हैबिटेट जो है ना वो फ्रैगमेंट हो रही है, इनको हंट किया जा रहा है ना। हंट तो समझ गया दैट आप शिकार करते हैं लोग है ना, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशंस क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, सोचो ये पैच ऑफ लैंड है, ठीक है, इस पैच ऑफ लैंड में बहुत सारे जंगली जानवर हैं है ना, अब ड्यू टू एनी रीजन यू नो यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ या फिर माइनिंग एक्टिविटीज़ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से सरकार ने अलाउ कर दिया दैट हाँ चलो भाई इस पार्ट को आप माइनिंग करो या फिर यहाँ पर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। तो देखो इनका घर पहले इतना लैंड का था, अभी ये छोटा हो गया क्या, नहीं है ना, वैसे ही सोचो फ्यूचर में ऐसा हो ही सकता है दैट थोड़ा ये पार्ट अलाउ कर दिया फिर सरकार ने, फिर थोड़ा ये वाला पार्ट अलाउ कर दिया, फिर थोड़ा ये वाला पार्ट अलाउ कर दिया, ऐसे करते 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 क्या है इनका घर जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। या फिर फॉर एग्जांपल आपका सोचो यहाँ से मेन हाईवे जा रहा है, ठीक है, तो हो गया ना, अब आपका घर के बीच से अगर कोई चीज़ गुजर जाए तो आपका घर तो दो भागों में टूट जाएगा ना, मतलब आप जिस जगह में हैबिटेशन कर रहे हो वो तो टूट गया ना, दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, ठीक है ना। हॉलक गिबन्स की अगर बात करें, ये वैसे प्राइमेट स्पीशीज़ है जो कि आपको ईस्टर्न बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड साउथ वेस्टर्न चाइना के रीजन्स में मिल जाएंगे, मतलब एक ही जगह कंसंट्रेटेड है ओवरऑल अगर आप इकोलॉजिकल रीजन एज ए रीजन देखिए तो, ठीक है। इसको कैटेगराइज किया जाता है हॉलक गिबन्स को इंटू दो टाइप्स, एक तो है वेस्टर्न हॉलक गिबन्स, दूसरा है ईस्टर्न हॉलक गिबन्स, एक एक करके डिस्कस करें। चलो वेस्टर्न हॉलक गिबन्स के बारे में अगर बात करें, आर्टिकल में भी जो बात की गई थी ना इन हॉलक गिबन्स के बारे में ही बात की गई थी। अब देखो ये कहाँ पर मिलते हैं, ये ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में वेरियस पार्ट्स में मिलते हैं, ऑल द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ रीजन बेसिकली अगर देख लीजिएगा, ये इनका लिमिट जो है ना रेस्ट्रिक्ट है इन द साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ये प्रीडोमिनेंटली रीजन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ दिबांग रिवर के ईस्टर्न रीजन में भी वेस्टर्न हॉलक गिबन्स हमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इंडिया के अगर बाहर देखें तो अनडाउटेडली ये बांग्लादेश में तो आपको मिलते ही हैं, बट साथ ही साथ म्यांमार के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी हमें देखने को मिलता है। IUCN रेड डेटा लिस्ट की अगर बात करें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरीज में लाई करते हैं, ठीक है, वैसे ही दूसरा दैट इज ईस्टर्न हॉलक गिबन्स की अगर बात करें तो दे इनहैबिटेड स्पेसिफिक पॉकेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम, कहाँ पर, ऑफ कोर्स इंडिया में है ना, यही नहीं
चाइना के साउदर्न चाइना और म्यांमार के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ म्यांमार में भी ये मिलते हैं। IUCN रेड डेटा लिस्ट की अगर बात करें तो ईस्टर्न हॉलो गेवन जो है यह वल्नरेबल कैटेगरी में लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, एक आर्टिकल दिया हुआ था, उस आर्टिकल में बात की जा रही थी, द हिंदू की ऑफकोर्स आर्टिकल थी, दैट FATF और पाकिस्तान के रिलेटेड, और बोला जा रहा था दैट पाकिस्तान क्या क्या कोशिश कर रहा है अपने आप को ग्रे लिस्ट से बाहर आने को। राइट, अब ग्रे लिस्ट से बाहर आना इसका मतलब ब्लैक लिस्ट में नहीं घुसना ऑफकोर्स, क्योंकि देखो ब्लैक लिस्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्यूनिटिव मेजर्स है FATF के द्वारा। राइट, ग्रे लिस्ट एक इंडिकेशन है दैट आप अगर अपने आप को नहीं सुधारे तो हम आपको ब्लैक लिस्ट में फेंक देंगे। ना सवाल होता है दैट किस चीज़ के बारे में प्यूनिटिव मेजर्स है भाई। देखो नाम से क्या पता चल रहा है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो यह एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है दुनिया में जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। ऑलराइट, नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव यही है दुनिया भर का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना उसमें एक प्रॉपर इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखे दुनिया भर के देश। ठीक है, अब ऑफकोर्स उसमें पाकिस्तान भी तो आता है ना, है ना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है दैट ऑब्जेक्टिव है दैट एक ऐसा स्टैंडर्ड को सेट करना जिससे दुनिया भर में इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट पॉलिसीज, टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट पॉलिसीज, और साथ ही साथ ऐसे रिलेटेड जिससे क्या दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी में कुछ नुकसान ना हो। राइट, इसी के कारण बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है दैट इफेक्टिवली प्रमोट किया जाएगा लीगल, रेगुलेटरी और साथ ही साथ ऑपरेशनल मेजर्स, और इसका रेगुलेशन किसके द्वारा सर्विलियंस किया जाता है, वो FATF के द्वारा। देखो टेक्निकली अगर कोई हर एक देश जो है सोवरेन देश है, ठीक है, वो इंडिया बोलो, पाकिस्तान बोलो या फिर कोई भी देश बोलो, ठीक है, तो वो अपने लीगल, रेगुलेटरी, ऑपरेशनल मेजर्स तो खुद यू नो ऑपरेट करती है, बट एट द सेम टाइम इंटरनेशनल लेवल में भी तो फाइनेंशियल सिस्टम एग्जिस्ट करती है ना। अब आप खुद सोचो अगर हम कोई पर्टिकुलर देश को यू नो टेरर फाइनेंसिंग करना अलाउ कर दे या फिर यू नो लीगल, रेगुलेटरी, ऑपरेशनल पैरामीटर्स से छेड़खानी करना अलाउ कर दे, तब तो खतरा अल्टीमेटली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में मंडराएगा ना। तो इससे जिससे ये ना हो इसीलिए बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रेगुलेट करती है, जिसका सेक्रेटरीट है OECD हेडक्वार्टर जो कि पेरिस में लोकेटेड है। OECD तो समझती है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वहीं पर। ठीक है, FATF के दो लिस्ट होते हैं, एक तो है ग्रे लिस्ट जहां पर अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान है, राइट, एक है ब्लैक लिस्ट जहां पर ऑफकोर्स पाकिस्तान नहीं है, और अगर पाकिस्तान को जो लिमिट सेट किए गए हैं, वार्निंग दिए गए हैं FATF के द्वारा, अगर वो नहीं ओबे करता है तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी फेंका जा सकता है। ठीक है, कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड अ सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग, देखो क्लियरली इनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है दैट ग्रे लिस्ट में वैसे कंट्रीज आते हैं जहां जो क्या सेफ हेवन है फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, और ऑफकोर्स पाकिस्तान है, तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान के लिए, है ना। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है दैट पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम अप नहीं कर रही है। देखो वहीं पर इंडिया है ना, ऑफकोर्स हम लोग दोनों एक ही साथ आज़ाद हुए थे, बट इंडिया का इकोनॉमी अभी कहाँ पे पहुँच गया है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये रेगुलेटरी मेजर्स मेंटेन किए हैं, हम लोगों ने मेक श्योर किया है दैट टेरर फंडिंग को लेकर एकदम हमारा जीरो टॉलरेंस हो। ठीक है, ये सब हमने किया है, बट पाकिस्तान में वहीं पर ये सब चीज़ें नहीं हो पाई है, इसीलिए अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहना पड़ रहा है। और ग्रे लिस्ट में जहां आ जाता है ना कोई कंट्री, तो वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इंडिकेशन हो जाता है दैट अरे भाई ये एक ऐसा देश है जो कि टेरर को फंड कर रही है। इसका मतलब आप खुद सोचिए, आप सोचो बड़े एक US के बिजनेसमैन हो, ठीक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोल रही है दैट आइए प्लीज हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए, क्या आप देखकर ये इन्वेस्ट कीजिएगा दैट हाँ वो देश अगर ग्रे लिस्ट में है तो? कभी नहीं कीजिएगा, राइट, है ना। वही चीज यहाँ पर भी बोला जा रहा है, इनफैक्ट बोला जा रहा है ब्लैक लिस्ट में वैसे कंट्रीज आते हैं जो कि ऑफकोर्स बिल्कुल ही इन मेजर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट, एंड इनफैक्ट वो खुले आम सपोर्ट करते हैं टेरर फंडिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को, राइट। FATF रिवाइजेस द ब्लैकलिस्ट रेगुलरली, जी हाँ, ऐसा नहीं है दैट कोई अगर देश ब्लैकलिस्ट में आ जाता है तो वो जिंदगी भर ब्लैकलिस्ट में ही रहेगा। ये जो लिस्ट है ना ये रिवाइज होता रहता है, राइट, और वही चीज ना दैट इंडिया सब समय प्रेशराइज करती है FATF को दैट पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट, सॉरी आप ब्लैकलिस्ट में डालो, राइट, और पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है दैट हम कैसे ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए, है ना, जिससे फ्यूचर में हमारे देश में फंडिंग आ सके। एनीवेज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
पीएबी से ये न्यूज़ लिया गया दोस्तों। ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है तो वो छूट गया था, तो आई थॉट दैट नहीं भाई छूटना नहीं चाहिए, कवर जरूर कर लेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हैं। नाउ गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है द ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स फॉर 2022, जिसे फर्दर एक्सेलरेट किया जा सके इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम को। ठीक है, नाउ सवाल होता है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, है ना। देखो नाम देखो, ग्रीन ओपन एक्सेस रूल, वैसे तो इससे समझा नहीं जा रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं ये तो इंडिकेशन मिल रहा है कुछ ना कुछ ग्रीन एनर्जी रिलेटेड है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। इस रूल्स, ये जो गाइडलाइंस निकले हैं ना, ये जो रूल्स निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, तो उस रूल्स में क्लियरली बोल दिया गया है दैट कैसे जनरेट, परचेज और कंजम्पशन किया जाएगा ग्रीन एनर्जी का, इनफैक्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के थ्रू भी, राइट। ऐसे तो देखो नॉर्मल ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन वो तो चलेगा ही, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर के थ्रू, विंड के थ्रू, ठीक है, दैट इज फाइन। बट साथ ही साथ वेस्ट से भी जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है ना, उसके बारे में भी डायरेक्टिव्स दिया गया। इनफैक्ट बोला गया है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स आर अलाउड टू परचेज ग्रीन पावर ऑन वॉलंटरी बेसिस। अब देखो यह क्या है, जनरेशन, जब जनरेशन की बात करें तो ये कौन, ऑफकोर्स पावर कंपनीज जो जनरेट करती है, बट साथ ही साथ अलग भी तो प्रोविजन दिए गए ना, जैसे परचेज और कंजम्पशन, ये सब कौन करेगी, ऑफकोर्स कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, राइट। हम आप जैसे लोग जो कि डिस्कॉम कंज्यूमर्स हैं, जो कि हम डिस्कॉम से डायरेक्टली यू नो इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, तो हमारे को इतना हक होगा दैट हम उनसे डिमांड कर सके दैट हमें ग्रीन पावर चाहिए। इनफैक्ट कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए भी यह अलाउ कर दिया गया है दैट वो भी वॉलंटरी बेसिस पे ग्रीन पावर्स को परचेज भी कर सकते हैं। ना इतना ज़्यादा स्ट्रेस कभी आपने सोचा है दैट क्यों इंडिया की गवर्नमेंट डाल रही है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में इंडिया ने अपने पंचामृत प्रोग्राम के तहत कुछ कुछ वादा किया था दुनिया से, राइट, उन वादा को अचीव करने के लिए। ना वैसे तो हम लोगों ने मेजर मेजर मोटे मोटे शब्दों में पांच पांच स्पेसिफिकली वादा किया था, बट अब ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द ग्रीन ओपन एक्सेस रूल, वो आप कहीं ना कहीं मेनली रिलेट कर सकते हो इस सेकंड वाले पॉइंट से। वैसे तो देखो अनडाउटेडली अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे पांचों पॉइंट, तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पांचों पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए ही हमारा यह स्टेप है, राइट। जैसे पहला पंचामृत के तहत बोला गया दैट हम लोग नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी से 2030 तक 500 गीगावाट प्रोडक्शन करेंगे, राइट। यही नहीं, 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से होगी बाय 2030, राइट। कहीं ना कहीं टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस जो होने वाला था 2030 तक अभी से लेकर, राइट, उसको हम जितना होने वाला था ना उससे हम लोग 1 बिलियन टन कम कार्बन को एमिट करने वाले हैं, ऐसा कहा गया है, राइट। नेक्स्ट बोला गया है रिडक्शन इन कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030, और किस लेवल में, बेस लेवल लिया गया है 2005 के लेवल से जो कार्बन एमिट हो रहा है उसके तहत अगर देख लीजिएगा 45% जो है कम इंटेंसिटी से, आई मीन बेसिकली रिड्यूस किया जाएगा बाय 2030 कार्बन एमिशन, ठीक है, इकोनॉमी में ऑफकोर्स। नेक्स्ट इज अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2070। ये बहुत अच्छा, ये इसको कैसे अचीव करेंगे, इसको अगर अचीव करेंगे तो लॉन्ग रन में अल्टीमेटली हम लोग ये फिफ्थ पॉइंट को भी अचीव कर ही लेंगे। ना सवाल ये होता है दैट नेट जीरो एमिशन मतलब क्या होता है, क्या कार्बन बिल्कुल ही एमिट करना बंद हो जाएगा? नहीं, देखो कोई भी डेवलपिंग कंट्री के लिए ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है दैट कार्बन एमिशन को बिल्कुल आप बंद कर दो, ना ये कभी नहीं हो सकता। बट एक चीज क्या हो सकता है दैट आप सोचो एक्स यूनिट ऑफ कार्बन आप एमिट कर रहे हो, तो साथ ही साथ अगर आप एक्स यूनिट ऑफ कार्बन को आप सिक्वेस्ट्रेशन भी कर लोगे ना, देन दैट इज कॉल्ड नेट जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है। तो इसका जो एम है हमें ये 2070 तक अचीव करना है यह टारगेट, दैट इज द मेन थिंग, राइट। नेक्स्ट दोस्तों बिजनेस टुडे का ये न्यूज़ है AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में। ना क्यों है, क्योंकि ऐसा पहला एक्रेडिटेशन एजेंसी है यह इंडिया का जिसने अपना ऑफिस मेटावर्स में खोला है। सोचो क्रिप्टो वर्ल्ड है मेटावर्स, राइट। ना क्रिप्टो वर्ल्ड टेक्निकली मैं क्यों बोल रहा हूँ सब कुछ बताऊंगा, पहले तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको दो कीवर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, एक तो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, और दूसरा है मेटावर्स, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। AICTE,
1945 में एज एन एडवाइजरी बॉडी इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जिसको 1987 में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया, और ये एक नेशनल लेवल काउंसिल है फॉर टेक्निकल एडुकेशन, जितने भी सारे टेक्निकल एडुकेशन है. ऑफकोर्स किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर. ठीक है, तो इसका काम क्या है? ये एक्रेडिशन देती है, क्वालिटी इंश्योर करती है वेरियस टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का. यही नहीं, प्रायोरिटी एरियाज में बेसिकली मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, इवेल्यूएशन एक्टिविटीज और फंडिंग एक्टिविटीज भी प्रोवाइड करने का काम इनका है. साथ ही साथ ये मैनेज और डेवलप करती है टेक्निकल एडुकेशन सिस्टम, ओवरऑल इकोसिस्टम जो है ना, ये इकोसिस्टम लिखना ज़्यादा सही था, चलो कोई बात नहीं, आप समझ जाओ, है ना. तो टेक्निकल एडुकेशन इकोसिस्टम को कैसे मैनेज करना हमारे देश में, कैसे उसको डेवलप करना, जिससे हमारी इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में जो है बाहर से लोग आए पढ़ने, राइट, दुनिया में इसका रिकॉग्निशन मिले, बड़े बड़े देश इसको रिकॉग्नाइज करे. ठीक है, तो यही तो कोई भी देश चाहती है भाई. आप खुद सोचिए ना, क्या हमें मंजूर नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता दैट हमारे कॉलेज का रिकॉग्निशन अगर कोई दूसरे देश में डायरेक्टली बिना कोई एग्जाम लिए हो जाए, है ना, अच्छा लगेगा ना. बट वहीं पर अगर आप सोचो इंडिया में डॉक्टरी करते हो, राइट, अगर आप कोई विदेशों में जाकर डॉक्टरी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू नीड टू अपीयर फॉर एन एग्जाम. अगर आप उसमें पास करोगे तभी आप दूसरे देश में जाकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. ये क्या है भाई, है ना, इसका मतलब क्या, हमारे देश के जो पढ़ाया जा रहा है वो फालतू पढ़ाया जा रहा है, कोई इसका वैल्यू नहीं है? नहीं नहीं, देखो ये सब क्या चीज़ है ना, ये सब धीरे धीरे एक ट्रांजिशन प्रोसेस से होता है, है ना. अभी जैसे हम लोग डेवलपिंग फेज में है, राइट, हमारे जो संबंध है डिफरेंट अदर देशों के साथ और भी अच्छे हो रहे हैं. हमारा अगर यू नो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्टर ओवरऑल अगर देखोगे हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, राइट. तो धीरे धीरे क्या होता है ना, ये रिकॉग्निशन जो मिलती है अचानक से नहीं मिल जाती है, सब कुछ धीरे धीरे होता है. सो वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर इट. बट एनीवेज, चलो एक तो एस्पेक्ट आपने कीवर्ड के बारे में डिस्कस कर लिया, AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एडुकेशन. अब है दूसरा, दैट इज मेटावर्स. मेटावर्स क्या है? देखो मेटावर्स वैसे आपने अभी सुना होगा रिसेंटली, जब से वेब 3, मेटावर्स, है ना, क्रिप्टो, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, राइट. बट क्या मेटावर्स एक नया टर्म है क्या, क्या पुराना टर्म है? देखो टेक्निकली अगर देखोगे 1992 में ही इस टर्म को क्वाइन अप किया गया था बाई नील स्टेफेंसन, राइट. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अगर अभी के समय में देखोगे ज़्यादा कॉमन आपको मिलेगा इन एंड अराउंड द वीडियो गेम कंपनीज, वेरियस वीडियो गेम कंपनीज के पास जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन मिलने वाला है. इनफैक्ट मेटावर्स जो है ये एक नेक्स्ट वर्जन है ऑफ द इंटरनेट फोकस्ड ऑन सोशल कनेक्शंस, है ना, जिसमें जैसे आप फेसबुक करते हो ना, फेसबुक, ट्विटर, वो सब क्या है, सोशल मीडिया है, ठीक है. बट उस, अब देखो क्या था ना, तीन वेब है, एक है था वेब 1.0, एक हुआ वेब 2.0, और अभी जो आने वाला है फ्यूचर में वो है वेब 3.0, ठीक है. अब देखो अभी जो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं ये वेब 2.0. नाउ सवाल होता है वेब 1.0 क्या था? देखो वेब 1.0 में क्या था ना, दैट जो भी कंपनीज थी वो अपना डेटा डालती तो थी इंटरनेट में, आप एक्सेस तो कर सकते थे उसको, बट आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते थे, आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है. बट अभी के समय में क्या है, आप फेसबुक में देखो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर लिखते हो ना अपना, ठीक है. तो पहले क्या होता, वेब 1.0 होता ना, तो आप आंसर्स नहीं लिख सकते थे, आप सिर्फ लेसन देख ही सकते हैं, ठीक है. बट वेब 2.0 ने इंश्योर किया दैट हाँ लोग आपस में इंटरेक्ट भी कर सके, ठीक है. और अभी फ्यूचर में फ्यूचर है वेब 3.0 का. नाउ सवाल होता है ये वेब 3.0 है क्या? देखो वेब 3.0 में क्या होगा ना वाला है, यह बेसिकली एक ऐसा यू नो इन्वायरमेंट है जहाँ पे काइंड ऑफ सोशल कनेक्शंस जो अभी हो रही है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना ट्विटर में, फेसबुक में, तो वो और एक अलग लेवल ऑफ में हो जाएगा. वहाँ पे क्या रहेगा ना, एक ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, सबका कॉम्बिनेशन होगा. मतलब अभी का जो सोशल मीडिया जो आपको दिख रहा है ना, वो तब का सोशल मीडिया बिल्कुल अलग होगा. तब आप एक, आपको एक यू नो एक चश्मा टाइप का एक डिवाइस होता है, देखा है आपने, इस टाइप का डिवाइस देखा है, आप सिर्फ ये डिवाइस पहन लोगे, है ना, और आप घर में बैठे बैठे, जैसे फ्यूचर में ऐसा भी होता है दैट भद्राइस एकेडमी शायद हम लोग मेटावर्स में चले जाए, ठीक है. तो उसमें क्या होगा ना दैट आपको फिजिकली इंस्टीट्यूट में आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपका क्लास लूंगा, बिल्कुल आप क्लास में आओगे भी, बट हम लोग आप घर में बैठ के ही आराम से क्लास में पढ़ सकते हो. जी हाँ, ऐसा होने वाला है फ्यूचर का मेटावर्स, ठीक है. तो उसमें क्या बोला जा रहा है दैट उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन जो होगा ना, यूज़र इंटरेक्शन, वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाएगा, जो कि इनफैक्ट मिमिक करेगा रियल वर्ल्ड को. जी हाँ,
भले ही अभी आप कहीं पर हो, आपके मम्मी पापा कहीं पर है, बट स्टिल अगर आपको सोचो डिनर करना है रात को, है ना, और आप लोग यू नो 500 किलोमीटर दूर हो, आपके मम्मी पापा कश्मीर में, आप कन्याकुमारी में हो, बट स्टिल यू कैन हैव डिनर विथ योर मॉम एंड डैड। इतना पॉसिबिलिटी हो जाएगा मेटावर्स के थ्रू। हाँ, आप अपने घर में ही बैठ के खाओगे, वो भी अपने घर में ही बैठ के खाएंगे, बट ये जो हेडसेट अगर आप लगा लिए ना, तो आप एक ऐसे दुनिया में पहुंच जाओगे दैट हाँ एक ही टेबल रहेगा, वहां पे आप भी बैठ रहे हो, आपके भाई भी बैठे हुए हैं, आपके मम्मी पापा, है ना, सब कोई, आपके फैमिली मेंबर्स भी बैठे हुए हैं, और एक साथ आप लोग खा रहे हो, इनफैक्ट बात भी कर रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो। देख रहे हो जैसे यहाँ पे इस बंदे ने यहाँ पे बेसिकली हेडसेट पहना है, मतलब आंख में, है ना, और इससे वो किसी के साथ हैंडशेक कर रहा है, बट इज दिस द रियल पर्सन? नो, दिस इज नॉट रियल पर्सन। इनफैक्ट आप पहुंच जाओगे, आपके आजू बाजू बिल्डिंग आप देखोगे, है ना, बट एक्चुअली में वो बिल्डिंग कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप अपने घर के रूम में ही हो, है ना, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये आई गियर आपने डाला हुआ है अपने आंखों में, तो आपको ऐसा फील हो रहा है दैट अरे भाई सामने सब कुछ जो है एकदम कुछ, मतलब एवरीथिंग इज ऑल अराउंड डिफरेंट वर्ल्ड। ठीक है, सो दैट इज मेटावर्स। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़, अब मेटावर्स जब है तो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटीज़ तो रहेंगी, जैसे वर्चुअल कम्युनिटीज़ आप बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है, आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, एक्टिविटीज़ कर सकते हो, इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जैसे हम लोग अगर सेमिनार अगर बोधराज अकेडमी को यू नो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे मेटावर्स में। ठीक है, आप घर में बैठे बैठे ये जो है अटेंड कर सकते हो। इनफैक्ट मेटावर्स एक एफर्टलेस ट्रांजिशन है फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट स्टेप। जी हाँ, एफर्टलेस ट्रांजिशन मतलब सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको एक बिल्डिंग में जाना है, ठीक है, तो आप सिंपली जो भी डिवाइस रहेगा उसके थ्रू आप क्लिक कर दोगे दैट हाँ आप इस बिल्डिंग में पहुंच गए, ठीक है, बस 2 सेकंड लगेगा आपको पहुंचने में। अब आप इसको बिल्डिंग से आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल 54th story बिल्डिंग में 54th floor में जाना है, ठीक है, तो आप कैसे जाओगे? आप सिंपली एक क्लिक बटन करोगे, आप डायरेक्टली पहुंच जाओगे 54। मतलब अभी क्या हो रहा है ना, अभी अगर आप कोई बिल्डिंग में जाओगे तो लिफ्ट आपको पकड़ना पड़ेगा, है ना, फिर 54th floor में जाते 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 आपका 2-3 मिनट तो ऐसे ही खर्चा हो जाएगा, ठीक है, तो वो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम, मतलब टाइम बहुत कम कंज्यूम होगा, आई मीन टू से दैट। ठीक है, तो ऑब्वियस सब आता है दैट ट्रांजिशंस जो है, कुछ भी ट्रांजिशंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी, काफ़ी ज़्यादा एफर्टलेस होने वाली है। विद मेटावर्स द वर्चुअल मार्केट प्लेस विल बी अ सीरियस बिजनेस अफेयर। जी हाँ, अभी अभी तो इसका एक्सप्लोर पोटेंशियल ही नहीं एक्सप्लोर नहीं किया गया दैट ये मार्केट प्लेस बिजनेस हब जो है वो कैसे यू नो चेंज होएंगी। ठीक है, तो वो जैसे होगी वो सब ऑफकोर्स विल लुक ऑन टू इट, राइट, बट कोई भी अगर टेक्नोलॉजी आता है, कोई भी अगर ऐसी यू नो टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन आता है जिससे हमारा लाइफ ईजी होता है, उसके साथ कुछ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा दैट कुछ हैरासमेंट के केसेस हुए थे जिसमें मेटावर्स में जो है ना इनफैक्ट गैंगरेप हो गया था। जी हाँ, ना ये फिजिकल गैंगरेप नहीं है बट टेक्निकली आप इसको फिजिकल बोल सकते हो, क्योंकि सोचो आप मेटावर्स में हो, ठीक है, मैं भी मेटावर्स में हूँ, है ना, तो टेक्निकली वी कैन हैंड शेक, आई मीन शेक द हैंड्स। हाँ, तो अब क्या हुआ ना दैट कुछ कुछ बीटा टेस्टर्स थे, है ना, फेसबुक का जो मेटा है ना, तो अब उस प्लेटफॉर्म में कुछ कुछ बीटा टेस्टर्स है। बीटा टेस्टर्स कौन होता है? जैसे सोचो एक कोई प्लेटफॉर्म बन रहा है, ठीक है, तो पहले क्या होता है ना उस प्लेटफॉर्म का टेस्टिंग होता है, उसके बाद ही उस प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली दुनिया में लोगों के लिए लॉन्च किया जाता है। तो जो टेस्ट करते हैं ना उनको कहते हैं बीटा टेस्टर्स, है ना। अब इस प्लेटफॉर्म में देखा गया था जो लोग टेस्ट कर रहे थे ना उस प्लेटफॉर्म में, वहाँ पे और भी कुछ कुछ लोगों को इन्वाइट किया गया था एंड दे डिड रेप्ड अ वुमन कलीग जो क्या वहाँ पे टेस्टिंग कर रही थी। तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू। मतलब देखो इस टाइप की हरासमेंट एक्टिविटीज़ आप रियल वर्ल्ड में तो नहीं कर पाओगे ना, रियल वर्ल्ड में करोगे सीधा आपको जेल घुसाया जाएगा, है ना, बट सवाल होता है दैट अगर मेटावर्स में फ्यूचर में ये सब एक्टिविटीज़ हुआ तो क्या किया जाएगा, क्या स्टेप उसमें लिया जाएगा, क्योंकि अगर उसमें अभी से स्टेप नहीं लिया गया ना तो डाउन द लाइन जब ये पूरा यू नो इंस्टॉल कर दिया जाएगा तब लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़, और मोर ओवर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट ने तो ये भी कंसर्न जाहिर किया है दैट आने वाले समय में जो डुअल रियलिटी जो हम लोग फेस करने वाले हैं, तो व्हाट विल बी द यू नो फेस ऑफ इट, दैट इज अगेन आप एक रियल वर्ल्ड में भी रह रहे हो और ये तो पूरा वर्चुअल वर्ल्ड होने वाला है, सो आपका इंसान का मेंटल एक्टिविटीज़ क्या किस लेवल में रहेगा, दीज आर द फ्यू ऑफ द एरियाज विच आर अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, चलो नेक्स्ट द हिंदू से लिया गया था रिगार्डिंग SMB साथी उत्सव। व्हाट्सएप इंडिया ने अनाउंस किया एक इनिशिएटिव जिसका नाम है SMB साथी उत्सव। नाउ
प्रिलिम्स फैक्चुअल ये एस्पेक्ट है जिसको आप ज़रूर से अपने नोट कॉपी में लिख लीजिए. नाउ ये है क्या, ये एक इनिशिएटिव है जिससे सपोर्ट किया जाएगा स्मॉल बिजनेसेस को, जिससे वो अडॉप्ट कर सके डिजिटल मीडियम्स को. नाउ बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जो कि अभी भी डिजिटल ट्रांजिशन नहीं कर रहे हैं, और आपको तो पता है दैट आने वाला फ्यूचर क्या है, सब कुछ डिजिटल होने वाला है ना. अभी भी अगर आप कुछ एक गोलगप्पे वाले के पास भी देखोगे, एकदम रहेगा दैट हाँ पेटीएम कर दो या फिर यूपीआई कर दो पेमेंट, है ना. तो देखो अब धीरे धीरे ट्रांजिशन जब हो रहा है तो फ्यूचर का बिजनेस भी यही होने वाला है. बट ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस पीपल है जो कि ट्रांजिशन करने में डरते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है दैट अरे भाई ऐसा अगर हम ट्रांजिशन करेंगे तो शायद मेरा पैसा कट जाएगा बैंक अकाउंट से, ठीक है. तो उसी चीज़ को हटाने के लिए, यही मिसकंसेप्शंस को हटाने के लिए कुछ ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं जिसको व्हाट्सएप बिजनेस के द्वारा भेजा जाएगा, व्हाट्सएप इंडिया का जो विंग है ना उनके द्वारा भेजा जाएगा, और उन्हें बोला जाएगा दैट ये जितने भी सारे स्मॉल बिजनेसमैन हैं है ना जिनका बिजनेस पैंडेमिक के कारण बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, प्लीज़ आप उसको जाइए और 1-to-1 डिजिटल ट्रेनिंग दीजिए फ्री में, ठीक है. अब 1-to-1 डिजिटल ट्रेनिंग अगर उन्हें प्रॉपरली समझाइएगा तो वो लोग प्रॉपरली समझेंगे, अगर प्रॉपरली वो लोग समझेंगे तो ऑफकोर्स दे विल टेक द प्रॉपर एक्शंस एज वेल, ठीक है. नेक्स्ट भी दोस्तों द हिंदू से दिया गया था रिगार्डिंग, ये पुराना न्यूज़ है दोस्तों क्योंकि ये छूट गया था, सो दैट्स व्हाई वी थॉट ऑफ कवरिंग अप. एनीवेज एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 कंजर्वेशन रिलेटेड इशू से आप इसको रिलेट कर सकते हैं. एक जायंट टॉर्टराइज है जिसका नाम कुछ इस प्रकार का है, चेलोनॉइडिस फंटास क्यूइस. चलिए कोई बात नहीं, ये नाम अगर प्रोनाउंस नहीं हो रहा है माफ कीजिएगा, है ना, बहुत टेढ़ा नाम है. एनीवेज ये है क्या, सवाल तो ये होता है, ये जायंट टॉर्टराइज स्पीशीज है जिसको माना जा रहा था दैट लास्ट 100 साल से ये ऐसा माना जा रहा था ना दैट ये एक्सटिंक्ट हो चुका है. नाउ इसका नाम क्या है, इस टॉर्टराइज का नाम है फर्नाडा. क्यों, क्योंकि इसको जो है ना फर्नाडा आइलैंड होम में मिला है ना, इसीलिए इसका नाम फर्नाडा पड़ गया. एनीवेज जायंट टॉर्टराइज को वैसे तो 2019 में ही फाउंड किया गया था, बट अभी इसका फाइनली कन्फर्मेशन आ गया है दैट हाँ these turtles, these giant tortoises are believed to belong from those species which are belonging from Galapagos species. ठीक है. Now सवाल ये भी होता है that Fernandina Island है कहाँ. देखो ये third largest और youngest island है Galapagos Islands का. Galapagos तो पता है ना, जैसे देखो यहाँ पे था ऊपर में है North America, नीचे में आपको पता होना चाहिए South America है, कुछ ऐसा है, ठीक है. यहाँ पर है Ecuador है ना, और यहाँ पर है Galapagos Islands, ठीक है, आप समझ जाओ मतलब मैंने एक रफ यहाँ पे बनाया है ना. और गैलापागोस ऑफ कोर्स आइलैंड कहाँ है, पैसिफिक ओशन में, क्लियर है. ओके चलो, तो ये जो आइलैंड में ये टर्टल पाया गया ना दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट और द यंगेस्ट आइलैंड्स ऑफ गैलापागोस आइलैंड, ये वाला आइलैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है. लाइक अदर्स आइलैंड वॉज फॉर्म बाई गैलापागोस हॉटस्पॉट ऑफकोर्स, जो क्या जिसके कारण यहाँ पर शील्ड एक्टिव शील्ड वोल्केनो है, और उस एक्टिव शील्ड वोल्केनो के कारण ही हमें यह आइलैंड जो है फर्नांडिना आइलैंड बनता हुआ हमें दिखता है. चलो ये तो खैर ऑफकोर्स इतना भीतर में घुस के भी नहीं पूछा जाएगा, बट क्योंकि आप लोगों को इसका एक रफ व्यू नॉलेज होना चाहिए कहीं पर, क्योंकि क्या होता है ना अगर 5 जून का अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा UPSC का, तो ऐसे बहुत स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया है जिन्होंने मेरे को क्लियरली बोला है सर मैंने कुछ पढ़ा था वो कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक कर गया और मैंने आंसर को टिक कर दिया. तो खुद सोचो ऐसा ही एग्जाम हॉल में ऐसा आपके सामने सिचुएशन आ सकता है, अगर ऐसा पूछ ले दैट रिसेंटली फर्नांडिना आइलैंड वॉज इन न्यूज़, बताओ ये किस ओशन में लोकेटेड है ना, तब आप क्या करोगे, है ना. तो इसीलिए जस्ट याद मत करो, बट हाँ एक बार गो थ्रू इट सो दैट यू कैन रिकॉल इट. और मैं ये सब क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इस टाइप के कभी भी कोई स्पीशीज़ के बारे में, क्योंकि देखो 2021 में क्वेश्चन आया था 2021 में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सॉरी एनिमल्स, तीन एनिमल्स का नाम था, एक था हेजहॉग, एक था मैंगो मैरमोथ और एक का नाम था पेंगोलिन. नाउ क्वेश्चन क्या था, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ बींग कैप्चर्ड बाई प्रेडेटर्स विच ऑफ द अबव ऑर्गेनिज्म रोल्स अप एंड प्रोटेक्ट्स देयर वल्नरेबल पार्ट्स. तो ऑफकोर्स हम लोग सबको ही तो जानते हैं पेंगोलिन्स के बारे में, ठीक है, मैंने पेंगोलिन्स तो होगा ही दैट वो अपने आप को घुमा लेता है, ठीक है, तो ये सब जानते हैं. चलो अगर थीम सही होगा तो ऑफकोर्स हम लोगों ने ए और बी तो एलिमिनेट कर दिया, बट बचता क्या है, ये दो ऑप्शन. अब इस दो ऑप्शन में कैसे आंसर्स करोगे, बहुत बच्चे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू 80-90-100 ऐसे करके जो वहाँ पर आया उसको टिक करके आ जाएगा, वैसे आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है. मतलब आपको ये वाला तो ऑप्शन मिल गया, मतलब
मैरमॉथ तो नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। अब सवाल होता है दैट क्या ये हेजहॉग हो सकता है या नहीं। नाउ ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए दैट किसी को, जो भी बच्चे दे रहे होंगे ना एग्जाम, शायद ही किसी को पता हो हेजहॉग के बारे में, ठीक है, दैट हेजहॉग भी अपने आप को रोल कर लेता होगा, ठीक है, शायद ही किसी को पता हो। तो बट स्टिल बच्चे 1 और 3 क्यों टिक करके आते हैं पता है, क्योंकि ये वर्ड देखते हैं हेज, है ना, तो ये वर्ड देखकर ही समझ जाओ दैट हाँ हेज मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना, नाम से ही पता चलता है ना। तो ऑब्वियस बात है दैट हाँ आप इसको एक वाइल्ड गेस लगा सकते हो, यस दिस कुड बी द आंसर, एंड इसलिए ऑफकोर्स द पॉसिबल आंसर वुड बी 1 और 3। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया था रिगार्डिंग संत तुकाराम शिला मंदिर के रिलेटेड, क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी जो है इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं, ठीक है, पुणे डिस्ट्रिक्ट और देहू डिस्ट्रिक्ट में, देहू इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, माफ करना, देहू रीजन इन पुणे डिस्ट्रिक्ट में। एग्जामिनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS1 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हो, संत तुकाराम शिला मंदिर। नाउ संत तुकाराम ये भक्ति सेंट थे, माना जाता है 13 दिन तक इन्होंने एक पीस ऑफ रॉक में बेसिकली बैठ मतलब भक्ति कर रहे थे काइंड ऑफ, ठीक है, एंड इसीलिए उस वो जो पीस ऑफ रॉक है ना उसको पायस माना जाता है, और इसीलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिलग्रिमेज हमें देखने को मिलता है, ठीक है भाई, किन के द्वारा, वर्कारी सेक्ट के लोगों के द्वारा। ना वर्कारी सेक्ट क्या है, देखो वर्कारी सेक्ट एक वैसे सेक्ट ऑफ लोग है हु बिलीव इन द वर्क ऑफ संत तुकाराम, वो मानते हैं दैट संत तुकाराम का जो वर्क है, जो भी उन्होंने आज तक किया है, दैट इज़ वेरी सेंट्रल, एंड ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि संत तुकाराम की अगर बात करें उनका मैसेज पता है दुनिया में क्या था, यही था दैट हमारी जो सोसाइटी होनी चाहिए ना वो कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, और तब तो आपको पता ही था तब के समय में दैट कितने ज़्यादा ये सोशल हायरार्की हमें देखने को मिलते थे। अब कास्टलेस सोसाइटी मतलब ये सोशल हायरार्की गॉन, ठीक है, एंड हिज डिनाइल ऑफ रिचुअल्स हैड लेड टू सोशल मूवमेंट। इनफैक्ट संत तुकाराम इज क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग ऑफ वॉरी पिलग्रिमेज, वॉरी जहाँ पर लैक्स ऑफ डिवोटीज का एक जगह यू नो मिलते हैं, ठीक है, कहाँ पर, ऑफ कोर्स द टेंपल टाउन ऑफ देहू एंड अलांदी, जिसके तहत वो लोग एकम्पनी करते हैं पांडुकास, किनका पांडुकास, संत तुकाराम एंड संत ध्यानेश्वर। अब देखो संत तुकाराम संत ध्यानेश्वर के डिसिपल्स जो है ना वो उनके पांडुकास है, अब उनके पांडुकास को एकम्पनी करने के लिए लैक्स एंड लैक्स ऑफ डिवोटीज जो क्या वॉरी सेक्ट के हैं वो लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, उसी पिलग्रिमेज को यहाँ पर बात की जा रही है, राइट, एंड पिलग्रिमेज जो है प्रधानपुर सॉरी पंधारपुर रीच करता है एट द एंड, और एंड कब होता है वो एकादशी के समय, ठीक है। तुकाराम जी के बारे में अगर बात करें वैसे तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका APSC के लिए तो शायद ही है, ठीक है, तो जो आप लोग स्किप कर सकते हो, बट स्टिल जो भी UPSC के आप लोगों में से कोई कोई अगर दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तुकाराम जी के बारे में अगर बात करें 1608 से 1650 तक इनका लाइफ स्पैन है, इनका जन्म हुआ था इन इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, है ना, इनका पूरा नाम था तुकाराम बलहोबा अम्बिले, हिज मास्टर्स वॉज संत चैतन्य महाप्रभु, ऑफकोर्स भक्ति मूवमेंट के 17th century पोएट थे, सेंट थे, हु लिव्ड विद मराठा रूलर जिनका नाम था शिवाजी महाराजा, और यही नहीं एकनाथ रामदास के भी कंटेम्प्रेरी थे। देखो जब भी मैं ये बात करता हूँ ना हु लिव्ड विद, इसका मतलब ये नहीं दैट एक ही साथ रहते एक ही रूम में रहते, नहीं नहीं इसका मतलब ये बोला जा रहा है दैट कंटेम्प्रेरी टाइम्स थे, जैसे है ना मैं और आप, मैं भी जिंदा हूँ अभी आप भी जिंदा हो, राइट, सो यस वी आर लिविंग एट द सेम वर्ल्ड, राइट, सो लाइकवाइज हिज पोएट्री वॉज डेडिकेटेड टू विथल्ला जो क्या एक अवतार है विष्णु जी के, ऑफकोर्स हिंदू गॉड है। ही इज मोस्ट नोन फॉर हिज मराठी अभंगास दोहास विच आर रिच इन इनहेरिटेंस ऑफ गाथास जो क्या डिवोशनल पोएट्रीज हैं। एनीवेज चलो वोकल क्रिटिक थे कास्ट एंड जेंडर जस्टिस के, ये तो अपने पहले पॉइंट से ही समझ गए होंगे, राइट, इनका इनफैक्ट उनका इम्फेसिस था, हाँ ये जरूर से याद रखिए, कम्युनिटी बेस्ड वर्शिप में, कम्युनिटी बेस्ड वर्शिप मतलब एक साथ बहुत जनों का जमावड़ा हो गया और वो लोग एक साथ वर्शिप कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कीर्तन, भजन होता नहीं है कीर्तन भजन, है ना, तो उसको वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते थे। इनफैक्ट देखो दोस्तों 2018 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें बोला गया था विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, है ना, और उनमें से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इनफैक्ट इस बार भी अगर देख लोगे संत रामानुजा के बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसीलिए
कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना, बिल्कुल दे आर बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर योर यूपीएससी एंड डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, ठीक है? तो इसलिए एक बार अगर ये पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ था, इंडियाज फर्स्ट कोविड 19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। जी हाँ दोस्तों, इसको डेवलप किया गया बाई हिसार बेस्ड नेशनल रिसर्च सेंटर, है ना, ऑन इक्विन्स, जिसका नाम है एनकोवैक्स, याद रहेगा एनकोवैक्स। नाउ ये जो है प्रोटेक्ट करेगी एनिमल्स को अगेंस्ट द डेल्टा एज वेल एज ओमिक्रॉन वेरियस वेरियंट्स ऑफ सार्स कोविड वैक्सीन, ठीक है? एंड दिस इज द फर्स्ट कोविड 19 वैक्सीन ऑफ एनिमल्स जो कि इंडिया में डेवलप किया गया, इसीलिए इसका नाम जरूर से याद रखिए, कभी भी आपको पूछा जा सकता है। देयर वर रिपोर्ट्स फ्रॉम रशिया लास्ट ईयर, कुछ रशिया से रिपोर्ट आया था दैट दे ऑल्सो वेर डेवलपिंग वैक्सीन जिससे एनिमल्स जैसे डॉग्स, कैट्स, मिंक्स, फॉक्सेस, इनको वैक्सीनेट किया जा सके अगेंस्ट द कोविड वैक्सीन। क्योंकि देखो कोविड वायरस, जब वायरस की बात कर रहे हैं तो वायरस किसी को भी अपना होस्ट बना लेता है, एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसा भी तो हो सकता है ना फ्यूचर में दैट उससे एनिमल से ट्रांसमिट फिर से हो रहा है ह्यूमन को, तो उससे रोकने के लिए चलो क्यों ना एनिमल को भी आप वैक्सीनेशन दिलवा दो, ठीक है? सो द एम ऑफ द वैक्सीन इज टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड एनिमल्स। इनफैक्ट एनकोवैक्स कैन बी यूज नॉट ओनली इन डॉग्स बट ऑल्सो इन लायंस, लेपर्ड, माइस, रैबिट्स। इनफैक्ट ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जिसको डेवलप किया गया था यूजिंग इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ डेल्टा वेरिएंट। इन एडिशन अगर बोला जाए ये यूज करता है एल हाइड्रोजन, है ना, जिससे इन जो जो भी एनिमल्स को ये वैक्सीन दिया जाएगा ना उनकी इम्यूनिटी जिससे बूस्ट हो सके, ठीक है, उसके लिए ये वाला जेल भी डाला जाता है इस वैक्सीन में, ठीक है? चलो डिस्कस हो गया, अब आ जाते हैं कुछ कुछ एमसीक्यूज में जो कि हम लोगों ने कल दिए थे। दोस्तों आज के क्लास में कुछ कुछ एमसीक्यूज देने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं चाहता हूँ आप लोग सब कोई अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा नीचे। वैसे तो पहले एमसीक्यूज कल वाले डिस्कस कर लेते जो जो हम लोगों ने पूछे थे। जैसे पहला था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला था सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड वॉज लॉन्च इन द ईयर 2011 और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको डेवलप और इंप्लीमेंट किया गया था बाय ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन? तो देखिए पहला वाला जो है ना ये रिसेंटली लॉन्च किया गया भाई, 2011 में नहीं है, तो ऑफकोर्स दिस इज ऑटोमेटिकली रॉन्ग, ठीक है? तो सही ऑप्शन इसका हो जाता है बी, टू ओनली। दूसरा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ये एक है प्रोजेक्ट है अंडर साउथ एशिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव दैट इज सवासी के अंडर। इनफैक्ट इट एम्स टू वर्क टुवर्ड्स वाटर सेंसिटिव सिटी विजन। अगर कल का आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो दोनों के दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू डिक्रिमिनलाइज कैनबिस? इसके बारे में भी हम लोगों ने प्रॉपरली डिस्कस किया था लेकिन कल के क्लास में, जहाँ पर हम लोगों ने बोला था दैट थाईलैंड अपने देश में टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और मैंने फूड व्लॉगर वाला भी एग्जांपल दिया था, राइट? सो ऑफकोर्स इसका डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज डी, थाईलैंड, ठीक है? तो करेक्ट सीक्वेंस, अच्छा मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाला, चलो कोई बात नहीं, करेक्ट सीक्वेंस है इसका बी सी डी, ठीक है? आप लोग जरूर से देख लीजिएगा आप लोगों कितना लोगों का सही हुआ है। आज के क्वेश्चन में आ जाते हैं, रिसेंटली द ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स 2022 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? पहला मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, या फिर नन ऑफ द अबव? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, आप हर लोगों को लिखना है लेकिन, है ना, आज का आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनकोवैक्स वैक्सीन। नाउ ये एक इंडिया का पहला कोविड 19 वैक्सीन है एनिमल के लिए, इसको डेवलप किया गया बाई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन कोलाबोरेशन विद नीति आयोग, एंड इट कैन प्रोटेक्ट एनिमल्स अगेंस्ट बोथ द डेल्टा एज वेल एज ओमिक्रॉन वेरियंट्स ऑफ सार्स कोविड। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, वन ओनली, वन टू थ्री, टू थ्री, या फिर वन थ्री? नीचे कंडर स्टेटमेंट जरूर से लिखिएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संत तुकाराम बोलहोबा एम्बिले। संत तुकाराम इज क्रेडिटेड विथ स्टार्टिंग द वॉरी पिलग्रिमेज, हिज मास्टर वॉज संत चैतन्य महाप्रभु, ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू संत रामदास, he emphasized community based worship through spiritual melodies known as kirtans। आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है,
2 एंड 4 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 2 3 4 या फिर 1 2 एंड 4, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा. वी विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स टू कम अप, राइट. एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास. वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो. थैंक यू वेरी मच.